हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड का, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। यदि आप एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं हम फुल मॉक टेस्ट पेपर। आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए आते हैं 85 क्वेश्चन, जिन लोगों का एग्ज़ाम है उन्हें पता होगा। और आपके यदि हम बात करें पुलिस की तो उसके लिए आते हैं 80 क्वेश्चन, तो पुलिस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए कर रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें होंगे आपके 85 क्वेश्चन और आपको आंसर की बना लेनी है 85 के 85 क्वेश्चन की, और आपको लिमिटेड टाइम लेकर इसे सोल्व करना होगा। ऐसा नहीं करना है कि आपको वीडियो चलाए रखनी है, आपको लिमिट रखनी है कि आप इतने टाइम में ये वीडियो को देखोगे और इतने ही टाइम में ये समाप्त करोगे। एंड ऑफ द वीडियो आपको स्कोर बताना होगा आपका कितने बने आपके। उसी तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है और किस तरीके से आपको किस सेशन पर फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला और दूसरा क्वेश्चन एक साथ ही पढ़िए, तीसरा भी पढ़ लीजिए। जितने स्लाइड में आपके क्वेश्चन होंगे आपने पढ़ लेने हैं और वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन के आंसर देने की प्रैक्टिस करनी है। जैसा आपका लेवल होता है फॉरेस्ट गार्ड का, उसी के लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लाए गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, सती प्रथा का पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? यूके, हॉलैंड, या यूएसए, या भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्प आयु कितनी होनी चाहिए? 30, 35, 40 या अन्य। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने तीनों के जवाब दे दिए होंगे, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th और 7th। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से अटेम्प्ट करिए। मैं आपको आपके साथ साथ पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? 4th, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल, या मुक्केबाजी। 5th क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महल नोविस, या दादाबाई नौरोजी, बी के आर बी राव, या निम्न में से। क्वेश्चन नंबर 6th है, निम्न में से किस स्थान पर मंडी राज्य या रियासत की नींव रखी गई थी? पुरानी मंडी, सुकेत, हटगांव, या मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, चंपा की रानी की याद में किस मेले का आयोजन किया जाता है? आपने पढ़ा होगा, यदि आपको आते हैं क्वेश्चन तो आपके लिए वेरी वेरी गुड न्यूज़ है कि आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। तो जल्दी से 4th, 5th, 6th क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। 4th का आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 5th का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 6th का ऑप्शन नंबर सी, और आपका 7th का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, 9th, 10th। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश करें। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? मनाली, सुंदरनगर, पंचकूला, या धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, शिमला में, कुल्लू में, सिरमौर में, कांगड़ा में। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? प्रेम कुमार धूमल, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, सत्य प्रकाश ठाकुर। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने सभी क्वेश्चन ये तीनों के तीन अटैम्प्ट कर लिए होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 8वें का ए इज़ द करेक्ट आंसर, 9वें का भी ए इज़ द करेक्ट आंसर, 10वें का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपके लगभग जीके के क्वेश्चन 10 हैं, तो 10 के 10 सही गए होंगे। नेक्स्ट हिंदी स्टार्ट हो रही है, हिंदी में आपने बताना है 11वें, 12वें, 13वें का क्या उत्तर है। टिक लगाइए जल्दी, मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ। ईमानदारी कौन सा
संख्या है, व्यक्तिवाचक होगा या भाववाचक होगा, समूहवाचक होगा, इनमें से कोई नहीं। बारहवें का है लंबोदर शब्द रूढ़ है या यौगिक है या योग रूढ़ है या सभी हैं। तेरहवें का प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ सर्वनाम है, कृपा, याति, नमक, कुलीन। नेक्स्ट है यथासंभव यथा समय समास है, तत्पुरुष, कर्मदारे, अभिभाव, बहु बहुव्रीहि। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सभी के जवाब दे दिए होंगे। तो आपका ग्यारहवें का कौन सा सही होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका चौदहवें का, उम्मीद करता हूँ आपने इसी का जवाब दे दिया होगा, तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, सोलहवा, पंद्रहवा, सोलहवा, सतारवा और अठारहवा। वीडियो को पॉज रखिए और अपना उत्तर देने की कोशिश करें। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है, सूर्याणी, सूर्याई, सूरा या सूर्या। सोलहवें का, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कार की अभिव्यक्ति है, संबंध, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। सतारवें का, इत्यादि का सही संधि विच्छेद, इति प्लस यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस यदि, इनमें से कोई नहीं। अठारहवें का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, सदैव, परमोदय, गुरुपदेश या जल्लोत। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सभी के जवाब दे दिए होंगे। तो पंद्रहवें का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर, और अठारहवें का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उन्नीसवा, बीसवा और इक्कीसवा और बाईसवा। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, सभी क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्प प्राण वर्ण आपने ढूंढना है, कौन सा वर्ण आपका अल्प प्राण वर्ण है, अ आ फ व क ग या थ द। नेक्स्ट, इनमें से नासिकीय व्यंजन कौन सा है, श ज ग ण। नेक्स्ट, मिस्टर मुखर्जी नोस 10 लैंग्वेज इज नॉट इट, इसमें आपने बताना है कि लास्ट में क्या इम्प्रूवमेंट होगी। 22वां, द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इज इट नॉट, आपने बताना है कौन से पार्ट में एरर है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने चारों के चारों उत्तर दे दिए होंगे। तो 19वें का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, कौन सा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 20वें का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 21वें का ऑप्शन नंबर फोर्थ मीन्स डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां, 24वां, 25वां और 26वां। एरर बताना है कौन से पार्ट में एरर है, ईच वन ऑफ हिज सिस्टर्स वर वर्किंग हार्ड नो एरर, या ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, इसमें भी एरर बताना है आपने। नेक्स्ट, एंटोनियम बताना है आपने इस शब्द का, सेंग्यून। नेक्स्ट है आपका विकियस, सेनोनियम बताना है इसमें, सेनोनियम होता है सेम वर्ड, एंटोनियम होता है डिफरेंट वर्ड। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो आपको इन वर्ड का आंसर जरूर पता होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर की ओर। नेक्स्ट आंसर है आपका, इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर मीन्स टू इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज़ द 24वें का फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट है आपका 25वां और 26वां, 25वां का बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आपका 27वां और 28वां क्वेश्चन। इंडेमोरफ्रेजेस है चिकन हार्टेड, कोवार्ड होगा इसका या आपका शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, कंपोज होगा, बोल्ड होगा। नेक्स्ट है एरर बताने हैं आपने 28वें, 29वें भी और 30वें भी। एरर के क्वेश्चन याद आते हैं तो आपने एरर बताने हैं। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए कौन सा आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे स्लाइड के। आपका 27वें का सही उत्तर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर।
बी इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें नेक्स्ट है आपका 28वां, 28वें क्या में आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर, 29वें में सी इज़ द करेक्ट आंसर और 30वें भी ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे लगभग 30 क्वेश्चन, एक ही लैंग्वेज में है। आपके लगभग 30 क्वेश्चन साइंस के, इसमें आपके बायोलॉजी होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री भी होगी। तो आपको 30 के 30 अटेम्प्ट करने हैं, एक ही लैंग्वेज में होंगे। टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम एक ही लैंग्वेज में लाए हैं, बट आपको एडजस्ट करना होगा। क्या है क्वेश्चन? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, आबादी उल्टा, वास्तविक सीधा, वही है रियल वर्चुअल और इरेक्ट डिमिनिश्ड, नेक्स्ट सीधा और आभासी वास्तविक। नेक्स्ट है आपका आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है, परितारिक, तारिका, पुतली या लेंस या प्रशाबी पेशियाएँ। नेक्स्ट है आपका 33वां क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, गोलाकार या धनाकार या अंडाकार या चपटा। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने 31वां, 32वां, 33वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34वां, 35वां, 36वां और 37वां। चार क्वेश्चन हैं, टाइम लीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लार ग्रंथि, थायराइड या यकृत या आमाशय। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एक्सट्रॉन, पोजेस्ट्रॉन, नेक्स्ट रिलेक्टॉन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में ऐच्छिक गतियां का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, प्यूटरी ग्लैंड में। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने चारों के चारों जवाब दे दिए होंगे। तो 34वें का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें भी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके लगभग 37 में से कम 25 से 30 क्वेश्चन सही जा चुके होंगे अभी तक। नेक्स्ट है 38, 39, 40 और 41। खाद्य पदार्थ को का पौधों में स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफ़र का मुख्य रूप कौन सा है, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। एक स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 90 से 60 या आपका 120-80, 200-130 या 140-160। मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे भारी झिल्ली पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एक्रेनोवाइड। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिक पैली, द्रोणत्रिय पैली, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने चारों के चारों जवाब दे दिए होंगे। तो 38वें का सही जवाब है सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें भी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 42वां, 43वां, 44वां और 45वां। क्या है क्वेश्चन? सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवणयुक्त पानी में या दलदल पानी में, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में, चीनी के लवण में, पिलवण में, मृत शरीर में, पानी में। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर या अन्य। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने 42वां, 43वां, 44वां और 45वां क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका
डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें नेक्स्ट है आपका बी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 46वां, 47वां, 48वां और 49। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या दोनों, सत्य कथन सभी या 47वां क्वेश्चन क्या है? कौन रंग जिसका खतरे का सविघन में प्रयोग होता है? पीला रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग या लाल रंग। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा मात्रक है, आवेश की विद्युत का, ऊर्जा का, अभिवांतर विद्युत का या शक्ति का। नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तांबे का, प्लेटियम का, टंगस्टन का या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सारे के सारे जवाब दे दिए होंगे। तो आपका 46th, 7th, 8th का आंसर है सही। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर और इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, 56, 50, 51, 52, 53, 54। पांच क्वेश्चन हैं, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। क्या है क्वेश्चन, आपके साथ साथ पढ़ता हूँ। मानव नेत्र होता है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने का पदार्थ क्या कहलाता है? प्रतिफल, अभिकारक, अभिकारक, ऑक्सीकारक। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या अवचयन, या अवचयन प्रक्रिया या द्वि अवघटन प्रक्रिया। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से कम, नेक्स्ट 7 से ज़्यादा, 7, 14, 10 से 14 के बीच, 14 से कम। नेक्स्ट, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH आयन, H प्लस आयन, दोनों आयन या कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने 51, 52 पांचों के पांचों जवाब दे दिए होंगे। तो आपका 50th का सही जवाब है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 51 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 53rd का हो जाएगा आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, 56 और 57। क्या क्वेश्चन है? जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा कम कार्यशील या अधिक कार्यशील या समान कार्यशील या अन्य। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक और भौतिक दोनों या अन्य। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उर्जित होता है? लाल चमकदार, नीला चमकदार, श्वेत चमकदार या आपका हरा चमकदार। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने 55th, 56th और 57 के सारों के जवाब दे दिए होंगे। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, 58, 59 और 60। दे ये जवाब क्या है? निम्न में कौन सा प्रजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया, संगमरमर या आपका चूना पत्थर। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 10 या 2.2, 12, 14। नेक्स्ट है आपका 60th क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंग मारने पर किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी है? कौन से पदार्थ से उपचार करेंगे? बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या अन्य। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सभी के जवाब दे दिए होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर, इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 64 और आपके चार क्वेश्चन हैं। मैथ स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पर, लगभग 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे। तो दे जवाब कौन सा सही होगा? किस संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं? इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 5, 4, 3, 2।
मैथ के क्वेश्चन पढ़िए, रीड कीजिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा कौन सा ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर आपका। डी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर और इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपके लगभग क्वेश्चन 50 से 55 क्वेश्चन सही हो चुके होंगे। नेक्स्ट है आपका 65th क्वेश्चन, 50 तक की सभी सम प्रकृत संख्याओं का औसत कितना? 23, 26, 28, 32। नेक्स्ट, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना? पहले है आपका सम, इसमें प्राकृतिक संख्या है लास्ट में। नेक्स्ट है एक बुक का क्रय मूल्य 110 है, विक्रय मूल्य 123 है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक कुर्सी को 873 में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? नेक्स्ट जवाब देखिए आप, इसमें होगा बी, इसमें होगा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें फिर भी इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपके लगभग क्वेश्चन सही जा चुके होंगे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं, जल्दी से 69th और 70th पढ़िए और उत्तर दीजिए। नेक्स्ट 71 और 72, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना वक्त लीजिए और इन्हें सही करके बताइए, ठीक है। इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें भी सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73rd, फिर ये आपका मैथ का है। 75 तक जल्दी से पढ़िए, मैं आपको उत्तर बताऊँगा और आप वीडियो को पॉज ही रखिएगा जब तक आप उत्तर ना देते। क्या है 73rd का क्वेश्चन का उत्तर? बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें भी बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल के लगभग क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। अब 10 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी वृक्ष है आम, देवदार, सेब, चील। हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में है? सिरमौर, कुल्लू, ऊना या चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? हिमाचल प्रदेश के में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? सभी को पता होना चाहिए यदि आप फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, तो करके मैंने इस वीडियो में ये डाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिए होंगे। इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें भी बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, 81 और 82 क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर मधुमक्खी पालन केंद्र स्थित है? पालमपुर, कोठीपुर, सरोल, कमांड। हिमालय हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? गुलाबी बुरा, सफ़ेद गुलाब, सूर्यमुखी या पलाश। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का बांदली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? चंबा, सिरमौर या कांगड़ा या मंडी। आपको यदि जंगल या फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करनी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मेरी ये मानना है। तो आपको 80वां 81वां क्वेश्चन के जवाब मिल चुके होंगे। तो इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट स्लाइड है, आपने इस स्लाइड के साथ ही कर लिए 85 क्वेश्चन कंप्लीट। बैजनाथ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, दुर्गा, हनुमान, बृजेश्वरी देवी। नेक्स्ट है, पंचवक्र के मंदिर का निर्माण मंडी के किस शासक ने करवाया था? अजवर सेन, सूरज सेन, कल्याण सेन, सिद्ध सेन। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस नगर का छोटा लहासा कहा जाता है? उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सभी के जवाब दे चुके होंगे। नेक्स्ट मैं आपको उत्तर बताता हूँ, ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें भी ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। आसान से क्वेश्चन थे आपके लगभग 85 क्वेश्चन। यदि आपको लगभग आपके स्कोर बन रहा है 65 अबव, तो आप अपनी सिलेक्शन जो है वो पक्की रखें। आपका जो भी स्कोर रहा 50,
40, 30 जितना भी आपका स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो आपको इस वीडियो को यदि आपको हेल्पफुल लगी या अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना आपकी जिम्मेवारी होती है। मेरा काम होता है वीडियो को बनाना और आपका काम होता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना। जो भी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे HP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। यदि आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए या पुलिस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करें, यहाँ पर मैसेज करें। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए, इस वीडियो की PDF चाहिए, तो हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ें और इसका सभी का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको और कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी प्रकार की तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको सजेशन देनी है तो भी बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिमाचल।